आदू आदू आदू, ये क्या हो रहा है आदू? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। आदू स्माइल कर दो, इसको देख के स्माइल तो कर, स्माइल कर दे, स्माइल। बड़े से दांत निकाल के पानी मत फेंको। आइए ठाकुर साहब, आइए, वेलकम वेलकम ससुराल। चलो सर, चलो पहुंच गए। उनको इतनी उतावल है, मैं नीचे रह गई, खुद ऊपर पहुंच गए। खा गए, मैं खाना खा रही थी तब तक आ गए। ए बेईमानो, एक दिन भी याद नहीं किया हमने पापा को। मेरा शैतान का बच्चा। क्या शैतान? अच्छा, ये भी डला यहीं पे। आए 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 आए, कितने परसों के बिछड़े, 7 दिन हुए। चलो ड्रामा कम करो, सब कैसे हो? शकल दिखते ही रो गया। लाया बस, पापा क्या लाए वो देखना है। क्या हुआ बिट्टू? अरे पापा से प्यार नहीं करेगा वो? प्यार कर रहा है वो भी। अच्छा देख ले, किसी को नहीं छुए, उसी को छुए अकेले। नानी के लिए बेटा। बेटा चप्पल दिखा, कैसी है चप्पल? दिखा पहले, कैसी है? अरे बताऊं, ये कड़क है यार। अरे ये है कड़क है, तो कपड़े टाइप की आती है यार थोड़ी। डॉक्टर भी जाती है। सही है, वैसे मम्मी का पैर मुझसे थोड़ा सा छोटा है। मम्मी लेकर आया था ना, वही मेरा ही नाप है। सही करने जानी पड़ेगी। बिट्टू कहाँ है? ला मुझे खिला चॉकलेट थोड़ी सी। चल देखो डस्टबिन में डाली, तुम भी डालो डस्टबिन में। मुल्लू दे देना थोड़ी सी शेरू को, थोड़ी सी जूठी कर देगा पूरी। हाँ इतनी सी। अरे साबरमती की वजह से पहले नहीं था इतना। नहीं खाता, नहीं खाता। अरे लाड़ कर रहे थे पैरों। लाड़ कर रहा है, लाड़। ओ तेरी मोली, तू मत बीच में बैठा, चॉकलेट खा ले तू अपनी। बस हो गया लाड़ पूरा। तो यहाँ पे जय आ चुके, आप सब ने देख ही लिया और आप उन सब से मिल ही लिए, और आप लोगों ने देखा आज मेरे छोटे भाई को। तो कोई कह रहा था ना कि आप अपने छोटे भाई को वीडियो में क्यों नहीं लेते, तो वो ना सुबह चला जाता है, रात को 12 बजे आता है, दोपहर में आता है कभी कभार, कभी कभार नहीं आता है। तो इसी वजह से मैं उसको वीडियो में ज़्यादा नहीं ले पाती हूँ, और वो वीडियो में आता भी नहीं है ज़्यादा। आज तो पता नहीं कैसे आ गया, तो उसको नहीं अच्छा लगता तो नहीं आता, और यही रहता है मेरी मम्मी पापा के साथ में। तो जो मम्मी 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो इसी ने मम्मी को एडमिट किया था, और यही अकेला मम्मी के पास रहता भी था।
तो चाहे कैसा भी है लेकिन कम से कम वो इस उम्र में मम्मी पापा की करता तो है, और हमारे आने के बाद भी हॉस्पिटल वगैरह भी वही ले जा रहा है। हाँ, लेकिन उसको ना इतना नॉलेज नहीं है कि हमको डॉक्टर से कैसे बात करनी है, क्या पूछना है, खाने पीने में मम्मी पापा को क्या देना है, डायबिटीज़ अगर उनकी चेक करनी है तो कैसे करनी है, इन सब चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता है, उसको समझ ही नहीं आता। अगर आज दवाई की बोलेंगे तो दो दिन में लाएगा, और लेकिन हाँ ले जरूर आता है, तो बस इस तरह का है वो। तभी क्या है कि मम्मी की केयर नहीं हो पाती है, काम करता है लेकिन धक्का मार के जो काम होते हैं ना उस तरह से करता है। लेकिन शुक्र है कि कम से कम बुढ़ापे में वो मम्मी पापा की सेवा कर तो रहा है, इतनी तो कर रहा है। तो यही रहता है मम्मी पापा के पास में। अभी भी आ रहा था ना, दुकान से लौट के आ रहा था तो दूध वगैरह लेके आया, और वहीं पे साथ में उसके जिया जी भी उसको आधे रास्ते पे मिल गए। तो मैंने बोला तूने जिया जी को पहचाना नहीं, तो बोले मैं मुझे तो दिखाई नहीं दिए, इस तरह का है वो। सो बस यहाँ पे अभी मैं जय को खाना देकर आई हूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह तो सुबह बना ही ली थी दीदी ने, और अभी है ना आप लोगों को घर में मेरी दीदी और मम्मी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मम्मी है ना गई हैं हॉस्पिटल, तो दीदी उनको लेके गई हैं, क्योंकि है ना जय आने वाले थे तो फिर मैं कैसे जाती, आज जय आने वाले थे ना तो मैं नहीं जा पाई, आज मम्मी और दीदी दोनों गए थे हॉस्पिटल, दीदी लेके गई थी, ये आने वाले थे खाना पीना करना था, आई है हॉस्पिटल दिखा के। मेरी दीदी जब भी जाती है मम्मी के लिए नारियल लेके आती है। बोल एक पिलाया होगा जरूर है, एक पिलाया होगा, एक लेके आई होंगी, उस दिन भी ऐसे ही किया था आज भी ऐसे ही किया। और जय को आना था तो फिर मैं कैसे जाती, मैं घर के काम सुनता रही थी। राम राम। आ गए तुम्हारी जमाई, आवाज बंद करो। पापा की टॉफी की थैली खा है, पापा की थैली मैं खा गई, बता दो बता दो, तू तो जानी रहता है पापा के बाद आते बदल गया, चल नानी पानी ऐसे रू हरिया गिर जाएंगी वो, थैली खा है बैठने दे, आ रू चल नानी पहले एक गिलास पानी ला के दे, मौसी को भी दे जा, बड़े वाले डॉक्टर ने दारू शांत रहो, बाहर ही बाहर ले लिया पहले तो ड्रेसिंग के लिए, हाँ। बोले अंदर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करने देंगे हम, पहले तो मना किया था फ्री में हो जाएगा, फिर उसका बोले 100 रुपया लगेगा, मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं कितना भी लगे, लेकिन उसके बाद में डॉक्टर मैंने नर्स से बात करी तो फिर डॉक्टर बुला के लेके आई वो, तो उसने खुद अपने हाथ से ड्रेसिंग कर लिया, और ड्रेसिंग में कह रहे हड्डी में टच में आ रहा है, टच बता उसमें है आ रहा है, आ रहा है हल्का सा टच में, उसमें एक्सरे में भी है तुम देखना, लाने की क्यों बार बार कहते कोई नहीं लाने, कब क्या करें बताओ, लाए होते तो बोले ये स्थिति थोड़ी ना बन जाती, जवाब ही नहीं है कि क्यों नहीं दिखाया हमको, तो अब पता यहाँ आके पता पड़ा है हमको, हमें तो पता चला कि इतना हुआ, तो अब हम लेके आए और इतनी दूर से पॉसिबल निकल के मिला, ट्रेन है तो उन्होंने क्या किया बोले कि आप वहाँ दवा घर पे ही लगा लेना, उनके ड्रेसिंग करने में अपनी ड्रेसिंग करने में बहुत अंतर होता है भाई, उन्होंने आसपास की चमड़ी काटी है जिस हिसाब से बेरहमी से वो लोग करते हैं ना, हाँ वो हम नहीं कर सकते भाई, हालांकि इनको दर्द नहीं हो रहा लेकिन देख के मुझे दर्द हो रहा, दर्द मालूम नहीं पड़ता उसमें करो तो, इसीलिए डॉक्टर की ड्रेसिंग जरूरी होती है, हम नर्स थोड़ी जो कर लें। आप लोगों ने सुन लिया ना कि क्या स्थिति है अभी मम्मी की, और मम्मी अभी हॉस्पिटल से आई हैं, मैं उनके सूज वगैरह रख रही हूँ, और पता है मम्मी के लिए जो स्लीपर मैंने मंगवाई ना तो वो मम्मी को नहीं आई, उसका जो जो नीचे का तलवा होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो मम्मी के अंगूठे में दर्द होने लगा था, तो फिर मैंने जो चप्पल पहनी थी ना रेड कलर की, अपनी वीडियो में तक देखा भी होगा आप लोगों ने, तो फिर वो वाली चप्पल मैं मम्मी को देकर आई, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट थी, और फिर वही है कि जय लेकर आए लेकिन मुझे भी है ना ये वाली कम पसंद आई थी, तो फिर जो जे लेकर आए थे वो मैंने रख ली, और जो मेरे पास थी ना वो काफ़ी अच्छी थी, मम्मी को भी वही पसंद आई, तो फिर मैंने मम्मी को वो दी और कहा कि बिल्कुल भी आपको बिना चप्पल के नहीं चलना है, क्योंकि अंगूठे डॉक्टर ने कहा है कि अंगूठा है ना वो जमीन से टच नहीं होना है, और चप्पल भी उनको अच्छी क्वालिटी की ही पहनानी है, इस वजह से मैं अपनी वाली चप्पल मम्मी को देकर आई, और जो मम्मी के लिए मंगाई थी ना वो मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर वो वाली मैंने रख ली है, और उससे वाकई मैं भी चलती हूँ ना तो मेरे भी पंजों में दर्द होता है,
तो फिर मम्मी के तो कितना दर्द होता। और अभी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर रहे थे क्योंकि मम्मी का इलाज है ना अभी तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था, जैसे कि लल्लू भाई और एलजी जो है ना हॉस्पिटल, उसमें तो उनमें क्या है कि दवाइयाँ का डोज है ना जो वो बहुत कम होता है, इसलिए वो जल्दी असर नहीं कर रही थी। और अब मम्मी ने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया है तो उससे क्या है कि कहते हैं कि ना संभावना बढ़ गई है कि शायद अंगूठा जल्दी सही हो जाए। तो अभी हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे और पापा साथ में जाना चाहते भी नहीं है, मम्मी को भी नहीं भेजना चाहते, पर उनसे लड़ना मैंने ठीक क्यों नहीं समझा, क्योंकि अगर हम मम्मी को ज़बरदस्ती ले आएंगे तो फिर बुढ़ापे में वो किसके साथ रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको सोच समझ के चलना होता है। चलो देखिए आते हैं कपड़े, मेरे कपड़े लेकर आए हैं जी, मैंने मंगवाए थे हमारे नीचे जो किराएदार रहते हैं ना उनके बच्चे के लिए। इधर क्यूट सा है ना, वो हमारा टाइम पास था इतने दिन से। ये दो जोड़ी कपड़े जे दिखाओ, जो पकड़ो तुम फोन अच्छे से देखो, ये और ये और इसका ये पैंट, ये गिर गया, देख के आती हूँ फिर कल हम लोग चले जाएंगे तो आज ही दे देती हूँ, है ना। चलो चलते हैं। इतना बड़ा खाएगा पापा का, इतना बड़ा गोल गप्पा खाएगा। ले तेल ले कपड़े, ये छोना, ये छोना पहनेगा, ये ले ले, क्या जाने इन चीजों ने उसको लगेगा मुझे पिला रहे हैं, ये नहीं इसको अच्छे लग रहे हैं, आ जाएंगे ये उसी के नाप के। मैंने कल बोला था इनका, तुम आ रहे हो तुम लेते आना, इनका मैं तो जा नहीं पा रही मार्केट यहाँ से। क्या हुआ तुमको, थोड़ी देर ही तुमको इनको चराने में लगी हो 8 दिन से, खाओ भैया। तो कहते हैं ना कि हम किसी के प्यार का कर्ज नहीं चुका सकते, तो ये ना मेरे बच्चों को बहुत प्यार से रखते थे और ये इतना क्यूटी पाई था ना कि मुझे ये बहुत प्यारा लगता था। तो बस मेरा मन किया कि मैं इसके लिए कपड़े मंगवा लूँ, तो मैंने जैसे कहा और वो ले आए। सो मुझे अच्छा लगा, मैंने अपनी दिल की खुशी के लिए ये काम किया है, कोई व्यवहार नहीं है कि कोई व्यवहार किया हो किसी से, बस मुझे बच्चा प्यारा लगता था तो मैंने जो मेरा दिल किया वो किया। और अभी हम लोग वही बातें कर रहे थे और ये अभी ना देखो मेरी आरू, इसकी तो ना यहाँ पे आके पता है इसने खाना पीना ही छोड़ रखा था, सारे दिन बस पकौड़ियाँ खाती रहती थी और इतनी बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ हैं जो कि वो आराम से खा लेती थी। हम लोग तो पता है थोड़ी सी खाते थे और हमारा पेट भर जाता था, लेकिन आरू उसने तो रिकॉर्ड तोड़ पकौड़ियाँ खाई थी यहाँ पे। तो ये है मेरा सबसे छोटा भाई, ये मुझसे भी छोटा है, जैसे ही घर में एंट्री करता है ना शेरू उसको गेट पे ही रोक लेता है और बस उसके साथ खेलना शुरू, क्योंकि वो है ना शेरू के लिए अंडे लेके आता है। तो बस यहाँ पे जब तक वो शेरू को प्यार नहीं करता ना, शेरू उसको आगे बढ़ने भी नहीं देता है। तो ना देखो कैसे उसको रोक रखा है, पता है क्यों, बोलता है कि मुझे खोल ले, और जैसे ही खोलेगा फटाफट से उसी के साथ जाके बेड पे बैठ जाएगा। मेरी बड़ी दीदी बहुत गुस्सा करती है क्योंकि शेरू के ना बाल झड़ते हैं और उनको नहीं पसंद है कि गद्दे पे इस तरह से बिठाएं, क्योंकि होता है ना खाने पीने में बाल वगैरह आने लगते हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है क्योंकि इसके बाल बहुत झड़ते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी दिन पहले की है लेकिन मैं इसको व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को बताती हूँ। देखो किस तरह से मेरा भाई, चाहे उसको कितना भी मारे कितना भी कुछ भी कहे, वो ना गुस्सा तक नहीं करता है मेरे भाई पे। तो है ना अभी बस यहीं पे देखो लाड़ प्यार हो रहा है। तो चलिए आज मैंने आप लोगों को मेरे भाई से भी मिलवा दिया कि ये है मेरा छोटा भाई।